प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पहली लिस्ट जारी करने के लिए जोर तोड़ शुरू कर दी है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर जयपुर में बैठकें ली, जिसमें पार्टी नेतृत्व जोड़ गुणा भाग की गणित लगाकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी हुई है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। इनकी संख्या 30 से 35 फीसदी बताई जा रही है। इस बार बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में टिकट के लिए उम्मीदवारों की छटनी को लेकर बीजेपी काफी सावधानी बरत रही है। जिन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं उनको लेकर सियासत में हलचल मची हुई है। तो वहीं इस बीच महिला आरक्षण के बिल प्रस्तुत करने के बाद भाजपा महिला उम्मीदवारों के लिए भी अलग से विचार कर रही है, जबकि कई नाम ऐसे हैं जिन पर बीजेपी चुनाव समिति की राय लगभग तय हो चुकी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व टिकटों की स्पष्टता के लिए लगातार मंथन कर रही है। साथ ही इस बार बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर जो बात सामने उभर कर आ रही है उनमें कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की बात भी शामिल है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी जिन्होंने चुनाव में 10,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना बीजेपी का पहला टारगेट होगा। साथ ही इसमें बीजेपी में हारे हुए विधायकों को लेकर भी काफी मंथन चल रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी चुनाव समिति की ओर से तय किए गए मापदंड में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। इनमें झालरा पाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चूरू से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, आमेर से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, अजमेर साउथ से अनीता बघेल, पुष्कर से सुरेश रावत, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई, आहोर से जगन सिंह, जालौर से जोगेश्वर गर्ग, भीनमाल से पूरा राम चौधरी, पिंडवाड़ा से राम गरासिया, मावली से धर्मनारायण जोशी, सलुम्बर से अमृत लाल, गाड़ी से कैलाश चंद मीणा, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, डंग से कालूराम, मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, लाडपुरा से कल्पना देवी, केशव राय पाटन से चंद्रकांता, जहाजपुरा से गोपीचंद मीणा, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, सुमेरपुर से जोरा राम कुमावत, पाली से ज्ञानचंद पारख, पाली से पुष्पेंद्र सिंह, सोजत से शोभा चौहान, चौतारण से अविनाश, नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा, मालपुरा से कन्हैया लाल चौधरी, अलवर से संजय शर्मा, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी और अनूपगढ़ से संतोष के नाम लगभग तय है, जिन पर बीजेपी की चुनाव समिति मोहर लगा सकती है। पीएम मोदी की जयपुर में सभा के बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इसको लेकर चर्चा है कि 67 सीटों पर भी बीजेपी चुनाव समिति की सहमति बनाएगी। ऐसे में कयास यही है कि बीजेपी इन सीटों पर भी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की ओर से 200 विधानसभा सीटों का सर्वे कर वर्णीकरण कर लिया गया है। इसमें ए, बी, सी और डी सहित 4 तरह की श्रेणियां बनाई गई है। इनमें से ए श्रेणी की सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इनमें बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालरपाटन, खानपुर, आसीद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेरपुर, रतनगढ़, फुलेरा, विधागरनगर, मालवीयनगर, अलवर शहर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ब्यावर, नागौर, सोजत, पाली, वाली, सूरसागर, सांगेर, कोटा दक्षिण, सिवान, भीनमाल की सीटें शामिल है जहां बीजेपी ने हमेशा जीत हासिल की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर फूल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसके तहत शीर्ष नेतृत्व ने सी और डी कैटेगरी की सीटों पर विशेष नजर बनाई है। बीजेपी इन श्रेणी की सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए लगातार जुटी हुई है। ऐसे में इन कमजोर सीटों पर भाजपा ने केंद्र मंत्री और सांसदों को उतारने का मन बना लिया है। जहाँ सी और डी कैटेगरी में पार्टी के दिग्गजों को उतार कर बीजेपी वहाँ से जीत तलाश कर रही है, इनमें केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी शामिल है।
इसके अलावा बीजेपी भागीरथ चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जैसे सांसदों को भी सी और डी कैटेगरी की सीटों पर उतार कर बड़ा दावा खेल सकती है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के टिकट निर्धारण का काम अब तेजी से होने लगा है। इसी बीच बीजेपी ने कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर भी टिकट देने का फैसला लगभग तय किया जा चुका है। इनमें मंजीत धर्मपाल, वासुदेव देवनानी, बलवीर लुथरा, सुमित गोदरा, विशिष्ट शंकर, विठल शंकर अवस्थी, मोहन राम चौधरी और राम प्रजापत कासनिया के नाम को लेकर चुनाव समिति की राय लगभग तय हो चुकी है। ऐसे में इन उम्मीदवारों के टिकट में भी कोई संशय नहीं है। उधर जयपुर जिले की विधानसभा सीटों पर अब तक बीजेपी की ओर से मंथन जारी है।